पीछे करवाओ, गाड़ी पीछे कराओ, मशीन ले आओ। हुई है लैंडस्लाइडिंग, ये देखिए ऊपर से एकदम पूरा एकदम मिट्टी जो है के पूरा नीचे आ चुका है। गाइज बुरी तरह फंस गया हूँ, 24 घंटा हो गया यानी कि कल से हम लोग यहीं पे है। यहाँ पे देखो लास्ट में पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे रोक दिया गया, यहाँ से एक भी गाड़ी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल गाइज ये ब्रिज से बस क्रॉस हो रही है, बट ये ब्रिज बहुत ही मतलब डेंजरस है, तो यहाँ पे पब्लिक को बस से उतार दिया जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, आप लोग सामने जैसे भी देख सकते हैं ये क्लियर करते जा रही है और जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। यहाँ पे भी जो ये मेन पोजीशन यही है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, यहाँ पे रास्ता क्लियर कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मैं हूँ इस वक्त उधमपुर में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बनिहाल, बनिहाल से हमको जाना है श्रीनगर। तो बनिहाल से श्रीनगर की जर्नी बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा ये व्लॉग में एंड तक और एंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग है उधमपुर पे, हम लोग बनिहाल की गाड़ी का वेट कर रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे बनिहाल, ठीक है ना। तो आपको जर्नी पूरा दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पे बारिश हो रही है और हमको अभी फिलहाल प्लास्टिक के नीचे देखो गड्डी आ रही है, कौन सी गड्डी है भाई? बनिहाल बनिहाल। तो गाइज आप लोग सामने देख सकते हैं, खाली जा रहे हैं ना, इनको गांव में जाना है। अच्छा लोग पिटाने हैं। अच्छा ये टनल कितना किलोमीटर है? ये 9 किलोमीटर टनल है, बहुत लंबा टनल है, ये सबसे बड़ा टनल यही है कि इसके अलावा और भी है? और एक बनियान वाला एक और है। अच्छा अटल टनल है, सबसे बड़ा अटल टनल है, अटल है, अटल अटल टनल हिमाचल है। तो गाइज एक ये पॉइंट है, यहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, यहाँ पे पूरा मट्टी ऊपर से आ चुका है पानी के साथ में, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा अभी क्लियर किया तो यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग साइड में कितना एकदम खड्डा गहरा हो गया है और यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया है यहाँ पे JCB से। यहाँ से अगर गाड़ी नीचे गई ना, स्लिप हुई ना, तो गाइज कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई भी नहीं बचेगा। तो गाइज यहाँ पे हुई है लैंडस्लाइडिंग, ये देखिए ऊपर से एकदम पूरा एकदम मिट्टी जो है कि पूरा नीचे आ चुका है और यहाँ पे यहाँ से पूरा रोड आगे बंद है। यहाँ से जितने भी गाड़ियाँ निकल रही थी यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ जो है कि नीचे खाई में आ गई है और बहुत ही खतरनाक वाला लैंडस्लाइडिंग हुआ है। और वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक JCB काम कर रहा है जो कि अपना मिट्टी को रोड को क्लियर किया जा रहा है। बाकी तो यहाँ पे पूरा जाम ही है फिलहाल, तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल गाइज ये ब्रिज से बस क्रॉस हो रही है, बट ये ब्रिज बहुत ही मतलब डेंजरस है, तो यहाँ पे पब्लिक को बस से उतार दिया जा रहा है और खाली बस जाएगी, यानी अगर कुछ भी होता है तो बस में बैठे लोगों को कुछ ना हो। तो फिलहाल हम भी चलते हैं पैदल इसी ब्रिज से। गाइज ये बहुत ही खतरनाक लकड़े का ब्रिज है और इस ब्रिज पे अभी ये अपनी बस आने वाली है, बट इसलिए बहुत डेंजरस बस सॉरी बहुत डेंजरस ब्रिज होने की वजह से पब्लिक को सबको उतार दिया गया है और फिलहाल पैदल जा रहे हैं। लकड़े के ब्रिज के ऊपर से बस आएगी, पब्लिक को कुछ ना हो इसी वजह से पब्लिक को सबको उतार दिया गया है और हम भी जा रहे हैं। और वहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइडिंग। जाएगा।
हाँ वो पूरा मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उसी वजह से वो डर के निकल गया वो। अच्छा हो सकता है इसने उठाया हो, ये जा रही है जैसे भी आगे आगे गिरा कुछ दिक्कत। हाँ पत्थर गिर रहा, ऊपर पत्थर गिरा मालूम है, गिरा आवाज आई ना, बंद हो गए मिट्टी से। वो सब रोए यार, निकल लो निकल लो, पानी आ रहा है, पानी पानी के साथ आ रहा है। ये सोच के हम गवर्नमेंट बस में बैठ गए कि हो सकता है कि गवर्नमेंट बस को जो है कि छोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग जो है फिलहाल गवर्नमेंट बस में बैठ के निकल गए। बट किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी कि गवर्नमेंट बस को रोका नहीं गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट बस जो है कि जा रही है सीधा श्रीनगर जहाँ पे मोदी जी की रैली होने वाली है, वहाँ पे रैली में जा रही है, तो उसी का फ़ायदा हम लोग को मिला है और वही बेनिफिट की वजह से अभी तक हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बट अभी आगे थोड़ा सा रास्ता और बचा हुआ है, तो फिलहाल यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रोक दी गई है। यहाँ पे देखिए सारी की सारी बसें यहाँ पे रुकी हुई है फिलहाल। तो अभी ये है हमारी बस और इसमें हम आए हैं, ये है गवर्नमेंट बस। तो गवर्नमेंट बस को सबको छोड़ा जा रहा है वहाँ से, बाकी एक भी गाड़ी को छोड़ा नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ गवर्नमेंट गाड़ी ही दिखेगी। तो फिलहाल यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए चलते बस में बैठ जाते हैं वापस, नहीं तो गीले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो गाइस लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ रोक दी गई है, आगे जाने का कोई साधन नहीं है। और फिलहाल देख सकते हैं आप लोग यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है बहुत ही ख़तरनाक वाला, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी गवर्नमेंट गाड़ियाँ छोड़ी गई थी सारी की सारी यहाँ पे आके रुक गई है। गाइज आप लोग देख सकते हैं लैंड, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि यहाँ का पानी का वेग देखिए, क्या बोलते हैं पानी का, इतना ख़तरनाक है ना कि मतलब कोई भी गाड़ी की गाड़ी बह जाएगी इसमें, इतना ख़तरनाक है देख सकते हैं। गाइज अचानक से ओले गिरने चालू हो गए, आप लोगों को अगर दिख रहे तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ज़ोर ज़ोर के, मतलब नहीं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं अपनी नज़रों से देख के बता रहा हूँ, बहुत ही ख़तरनाक वाले ओले गिर रहे हैं यहाँ पे और ज़बरदस्त बारिश हो रही है बहुत। हम लोग 3 घंटे से मतलब खाली 300 मीटर क्रॉस किए 3 घंटे, देखो पूरा जाम ही जाम दिखेगा आपको, जहाँ तक देखोगे जाम ही जाम दिखेगा, पूरा जाम ही जाम दिखेगा भाई। ओलों में जा रहे हैं, ओलों में दोनों के दोनों ने नए जूते लेके आए, गीले हो गए। क्यों क्या क्यों गीले जूते नहीं चलते आपको? जूता बोल रहे हैं, अरे बाप, 800 बोल रहा था गाइस। यहाँ पे सारे परेशान हैं और ये लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो हम लोग को है, इनको क्या टेंशन है। तो गाइस फिलहाल अभी लगी है भूख, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो यहाँ पे मैगी बनवा रहे हैं, हम खाते हैं मैगी थोड़ा और देखते हैं अभी शाम होने वाली है। ये मैगी बन रही है और अभी देखो शाम होने वाली है, अगर रात हो गई तो यहाँ से गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसे हमारे उस्ताद यानी कि गाड़ी के ड्राइवर बोल रहे हैं, क्योंकि रात में कहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, कहाँ पे कुछ गिर जाएगा, कुछ दिखेगा भी नहीं, तो नाइट में नहीं चलेगी गाड़ी बोल रहे। अभी अगर थोड़ी देर में क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आज की रात भी काली। चलिए मिलते हैं। तो गाइज मैगी बनके रेडी हो चुकी है हमारी और
गाइज बुरी तरह फंस गया हूँ। 24 घंटा हो गया यानी कि कल से हम लोग यहीं पे हैं, और आज सुबह से जो बस पकड़े थे वो बस भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई है और हम लोग यहीं पे पूरे एकदम फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है और जम्मू से लगाकर श्रीनगर तक सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि लैंडस्लाइडिंग बहुत ही ज़्यादा हो गई। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ है सब लाइन से खड़ी है, और ये यहाँ तक नहीं है, ये 10-15-20 किलोमीटर तक फैला हुआ है पूरा एकदम। और बड़े ट्रक तो वहाँ पे उधमपुर में ही रोक दिए गए थे। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ये देखो लास्ट में पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे रोक दिया गया, यहाँ से एक भी गाड़ी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक मौसम अच्छा हो और कब रोड खुले, और बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए मैगी का, यहाँ पे पहाड़ों में यहाँ पे सब लोग फंसे हैं, लेकिन अभी कुछ तो खाने के लिए मिल गया है तो थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। चलो उसका पीछे करवाओ, गाड़ी पीछे कराओ, मशीन ले आओ। फाइनली गाइस बहुत टाइम के बाद बहुत सबर मतलब हम लोग का ओवर हो गया था, अब जाके जो है कि रोड क्लियर हुआ है। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और क्रॉप कर दिए, देखते हैं अभी कब तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो फाइनली गाइस हम लोग श्रीनगर पहुंच चुके हैं सही सलामत। रास्ते में इतनी सारी लैंडस्लाइडिंग हुई थी कि वहाँ से कोई भी गाड़ी पास नहीं हो रही थी, सबकी सब गाड़ियों को उधमपुर में ही रोक दिया गया था। बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने गवर्नमेंट बस पकड़ी वहाँ से, जो कि यहाँ पे किसी कारण गवर्नमेंट के काम से रैली में आ रही थी, तो उसका बेनिफिट हमको मिला। और वो खाली बस एक अकेली बस जो है कि वो यहाँ पे आई है, बाकी जितनी भी बस है सारी की सारी उधमपुर में रुकी हुई है, जितना भी ट्रैफिक है पूरा वहीं पर रुका हुआ, उसके आगे कोई भी गाड़ी नहीं आया था। तो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं, और ये है हमारा होटल, बहुत ही अच्छा होटल मिला है, और 600 रुपये मात्र रेंट है इसका, कितना सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये। ठीक है, बाकी आप लोग को आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने अब तक लैंडस्लाइडिंग वाली फील नहीं की, आप कैसे रास्ते में फंसते हैं, कैसे रास्ते में मतलब होल्ड करना पड़ता है, बहुत ही ख़तरनाक वाला एक्सपीरियंस था मेरा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।